मम्मी अभी अम्मी थोड़ा सा और जो आज मैं बाजार से लाई थी आई थी और अम्मी सर में दर्द हो रहा था अभी ये देखे आप यही वाले कह रही थी सारे हाँ। यही वाले अम्मी का सूट लाई अम्मी दिखा दूं आपका सूट दिखा दो अम्मी सिला हुआ नहीं है ये सिलवाना पड़ेगा ये वाला कलर इसका इतना अच्छा लग रहा था ये साथ में स्लीव्स हो गई इसका फ्रंट है ये सामने फ्रंट है हाँ ये वाला अभी देखो मुझे इतना अच्छा लग रहा था नीचे में इसके साथ इनर लगाए प्यारा है ना मैंने कहा सा चमक वाला हो मैंने ढूंढ ढूंढ के लिए आपका ये वाला काम वाला सूट बहुत अच्छा है अभी दूसरा भी आपको दिखाती हूँ दूसरा आपका ये वाला सूट है प्यारा लग रहा है ना अम्मी हाँ। ढूंढते अम्मी मैंने आज इतना टाइम लगाया है बहुत अच्छा है हमें से कौन सा ज्यादा प्यारा है वो अपनी जगह प्यारा ये ज्यादा प्यारा है ये वाला ज्यादा हाँ। प्यारा है बारात वाले दिन ना आप ये वाला सूट पहनिएगा बारात के हिसाब से ना ये अच्छा भी लग रहा है थोड़ा इसमें रेड भी आ रहा है वो भी प्यारा है उससे ज्यादा ये प्यारा ये वाला ज्यादा प्यारा है ना मुझे है ना भाभी ये ज्यादा प्यारा है सबको ये वाला अच्छा लग रहा है ये ज्यादा प्यारा ये अच्छा लग रहा है चलो अम्मा सबको ये वाला ज्यादा पसंद है आप शादी वाले दिन ना यही वाला पहनो ये बहुत प्यारा है अम्मी आपको याद है जब मैं छोटी थी मैं कहती थी कि मैं आर्मी में जाऊंगी हाँ, हाँ। और मैं उस टाइम पर बोलती थी उस टाइम का जब मैं आर्मी में जाऊंगी ना मेरी जॉब होगी तो वहाँ पर जो मुझे सैलरी मिलेगी ना सबसे पहले मैं अम्मी के कपड़े लूंगी आज वो ख्वाब आपने पूरे किए हैं अल्लाह पाक का शुक्रिया शुक्र अदा करती हूँ मेरी बेटी को अल्लाह पाक इससे दुगना दे बहुत दे अल्लाह पाक इसको मुझे हर साल उम्रे पे भेजे इंशाल्लाह अम्मी हर रमजान में आपको उम्रा कराया करूंगी हर रमजान में अम्मी जाया करेंगे उम्रे पे इंशाल्लाह अम्मी ये मेरी चूड़ियां हैं ये मैंने अपने सूट के साथ मैच की बहुत प्यारी हैं ये प्यारी हैं खुलेंगी ना ये हाँ और ये अम्मी तैबायत के लिए लिए ये वाली चूड़ियां मैंने कहा बार बार फिर नहीं जा पाएंगे ये मैंने अम्मी उससे सना के लिए लिए और ये अम्मी मैंने कौसर के लिए लिए हाँ दूसरी एक कौसर मेरे हस्बैंड की दूसरी वाइफ है वो और एक दूसरी कौसर इधर इस गांव की है उसके लिए मैंने लिया ये भी बहुत प्यारी उसको अम्मी लाल चूड़ियां पसंद हाँ, है ना उसका सूट भी लिए और ये भी लिए और ये देखिए अम्मी ये तो मैं आपके लिए बनवा कर लाई हूँ अम्मी आपने खाली कड़े बोले थे और वो मिल ही नहीं रहे थे ये अच्छे है ना ये बहुत अच्छे अच्छे लग रहे थे मैंने ये अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये हो गया इसके साथ और ये वाली हो गई इसके साथ हाँ, अभी देखे है ना ये बहुत प्यारा बन प्यारा बन गया ना अब देखो ये वाला सेट कितना अच्छा लग रहा है अम्मी को जो है ना ये वाली ना कांच वाली रंग बिरंगी चूड़ियां अम्मी को इतनी अच्छी नहीं लगती मैं पहले भी कितनी बार लाई हूँ अम्मी पहनती नहीं तो इस वजह से ये मैं मेटल की लाई हूँ मैंने कहा चलो अम्मी पहने तो सही बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद भी आप टाइम पर आ गए ये फूल और ये गजरे आ गए ये बहुत ज्यादा जरूरी थे निकाह पर आप ले आयो अभी देखो अभी तक एंट्रेंस की लाइटिंग लग रही है और हमारे फोटोग्राफर भी आ चुके हैं अब जल्दी जल्दी चलो अंदर चलते थे और स्टेज वाले वो जो बैकग्राउंड सेट करेंगे वो कहाँ है चलो अभी तो ये यहाँ का गेट बन रहा है एंट्रेंस का जहाँ से बारात आएगी अभी तक लाइटिंग लग रही है अभी इस लाइटिंग के बीच में से हम गुजर के जाएंगे और देखो अंदर की हमारे घर की सारी साफ सफाई हो गई है कैसे चमक रहा है ना टाइम बहुत कम अम्मी फूल आ गए अम्मी ये देखे और सबसे पहले तो मैंने बच्चों को नहलाए हमारी आयत को ये नहाते यहाँ पर आके छुप के सो गई है ये देखो कपड़े अभी इसको पहनाने थे पहले ही सो गई और बाकी आज मैंने अपने लिए ये वाला सूट निकाला है गाइस यहाँ पर देखो चेयर्स भी लगना शुरू हो गई हैं यूट्यूब फैमिली कैसे हो सब आई होप कि आप सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है खैर खैरियत से और अभी अभी देखो मैं नहा धो के फ्रेश होकर आई हूँ मेहमान देखो अभी से हमारे सब आना शुरू हो गए हैं यहाँ पे देखो सारी चेयर्स भी लगना शुरू हो गए हैं यहाँ पे पहले स्टेज बना रहे थे मैंने स्टेज से मना किया क्योंकि स्टेज इतना ऊपर और इतना ऊंचा और इतना छोटा सा बना रहे थे तो हमने कहा हम तो साथ में दुल्हा दुल्हन के खड़े हो भी नहीं सकते और आज मैं बताऊँ आज है फाइनली फातिमा का निकाह और फातिमा का आज हम फेस रिवील भी करने ही वाले हैं बस जल्दी जल्दी पहले तैयार हो जाते हैं और आगे जो भी होगा सब आपको मैं दिखाती रहूंगी मेरे हस्बैंड को सरप्राइज पे सरप्राइज मिल रहे हैं ये यहाँ पर कौसर ने मेरे हस्बैंड मेरे हमारे हस्बैंड के लिए सूट सिलवाया हुआ है बस एक ही सिला है दो थे ना दो थे एक सिला एक अभी तक सिला है अच्छा वो वहाँ से शॉपिंग नहीं करके आए कि मेरी बीवी ने वहाँ पर कपड़े सिलवाए हुए हैं यहाँ पे अभी तक एक सूट आया है चलो आज का तो है ना और अब देखो अब कितना चेयर अच्छी लग रही है ना और ये आ गए मेरे कपड़े अब जल्दी से मैं अभी अपने कपड़े चेंज कर लेती हूँ पर जो है ना मैंने अपने कोई नए जूते नहीं लिए तो मैं ये वाले जूते पहनने वाली हूँ जूते ना मैंने अलिशबा की शादी पर लिए थे तो चलो अभी तक देखो सही पर नहीं अलिशबा की शादी नहीं तैयबा आयत की पिछले साल की बर्थडे पे लिए थे इस साइड पर देखो तैयारियां ही तैयारियां चल रही है आज निकाह पर कौसर किया ये वाली ड्रेस अच्छी लग रही है कलर इसका बहुत प्यारा है तो सब अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं और ये देखो ये हो गया अम्मी का और ये हो गया साथ में राबिया बाजी का इनका तो बहुत प्यारा है बाजी आपके सूट पे तो घोड़े भी हैं बल्कि बारात जा रही है हाँ बारात जा रही है दूल्हा बैठ के जा रहा है माशाल्लाह सबके प्यारे है और ये हो गया मेरा सूट
ये वैसे मैंने पहले ना YouTube फैमिली को दिखाया था जब तहरा सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया था। ये बहुत खूबसूरत है और निकाह के हिसाब से ना व्हाइट और गोल्डन जबरदस्त लग। यहाँ पे देखो कौशर के रूम में कैसा सुकून वाला माहौल है ना। हम सारे अब यहाँ पर ही तैयार होंगे, कोई रश भी नहीं है, तो यहाँ सारे रेडी हो। मैं कपड़े चेंज करने गई हूँ और यहाँ पर तो अच्छा खासा माशाल्लाह सेटअप हो गया है। अभी मजीद जैसा सेट होगा तो और खूबसूरत लगेगा। वाह, अस्सलाम वालेकुम, कहाँ थे सुबह से? कितना दूर दूर गए? अभी नहा धो के फ्रेश हो जाओ। हर किसी को ना ले छोड़ के हालत पूरी हो गई। और ये देखो रात के बजे तो रेडी भी हो गई हैं। वैसे मैंने भी कपड़े पहन लिए। ये देखो कैसे लग रहे हैं मेरे, बहुत प्यारे। हाँ बहुत प्यारे। फारूक भाई अस्सलाम वालेकुम, ठीक है? आपने ठीक है? से प्रोग्राम चल रहे हैं, हम हाँ। पहुंचे हैं अभी अभी आए हैं ना आप, हम कब से वेट कर रहे थे। मैंने कहा दुल्हन के अब्बू कहाँ गायब है? सर कैसा चल रहा है यहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह, देखे कितना अच्छा लग रहा है सब। खुशी है, देख कर बहुत खुश हुआ है। अब अम्मी की तबीयत सही हो जाएगी। तो माहम भी तैयार हो गई है, इतना अच्छा लग रहा है। मेकअप रह गया? हाँ प्यारा है ये वाला। यहाँ पे मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, अभी हम रेडी हो रहे हैं। इनसे ही हमारी मेकअप आर्टिस्ट है हमारे साथ, इनकी ये सिस्टर होगी, ये भी हमारी सब्सक्राइबर, और एक छोटू सा सब्सक्राइबर भी हमारा आया है। ये दोनों के लिए देखना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, तो हल्का फुल्का आज मैं पहली दफा करा रही हूँ। मैं कभी भी मेकअप आर्टिस्ट मेकअप नहीं कराया, अपना खुद ही करती हूँ। वैसे ये स्पेशल इनके लिए थी, फातिमा के लिए, तो अब मैंने सोचा मैं भी करा के एक दफा चेक कर लेती हूँ। ये देखो हमने चेयर मंगा लिया, यहाँ पे मैं बैठूंगी। तो दिल बड़ा किया आज मैंने, वैसे सच में मुझे हमेशा इतना मेकअप आर्टिस्ट बोलते हैं हम आपका मेकअप करेंगे, नहीं मैंने शूट के लिए वैसे एक दो बार कराया है, जैसे कोई फंक्शन पे आज पहली दफा हो रहा है। चलो शुरू करते हैं। अभी जाना मेरा मेकअप चल रहा है, कैमरा पकड़ा रही हूँ मैं माहम को, तो माहम सारा बाहर से दिखा के आएगी। और यहाँ पे देखे स्टेज माशाल्लाह यहाँ पे बन चुकी है, और यहाँ पे लाइट भी लगा दी है, और यहाँ से यूँ देखें यहाँ कैसे प्यारी लग रही है। और यहाँ पे पप्पू का मेकअप हो रहा है। अच्छा बन गया भाई, प्यारा लग रहा है ना? जी बहुत प्यारा लग रहा है जी। हमारे क्लाइंट साहब ने ये भी तो बैठी हुई और घर की जो लाइटें हैं वो ऑन कर दी हैं, और सामने स्टेज जो है वो कितना प्यारा और खूबसूरत बनाया है। और यहाँ पर मेरी प्यारी बेटी रेडी होके बैठी है। वो जो आप मेरे बूट लाए थे वो कहाँ हैं? मुझे पता नहीं है, आपकी मामा को पता होगा। चावलों की देग भी पक के आ चुकी है, इसका ढक्कन कहाँ है? और अम्मा और अम्मा नूर यहाँ पर बैठी हैं, चावल खा रहे हैं सब। और यहाँ पर फारूक भाई और जैद भी बैठे हुए हैं। और फारूक भाई सुना है, खैरियत है? खाना खा लिया? तो अभी बारात जो है वो आने वाली है, और यहाँ सेटअप भी जो है मुकम्मल होने वाला है। तकरीबन 15 से 20 मिनट का काम है कि लाइटिंग जो है सारी की सारी ऑन कर दी है। यहाँ पे सब चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, और इसको जो है उठाना है, और ये जनरेटर यहीं पर रहेगा, इसको उठाकर वहाँ सामने लेके जाना है, वहाँ रखना है, और ये सब चीजें यहाँ से हटवानी है। ओ, दुल्हन का ड्रेस आ गया दूल्हे की तरफ से, जल्दी जल्दी इसको तैयार कराना है। ये इनकी सास जो है ना वकार की अम्मी कुलसूम खाला दुल्हन का सूट देकर गई है कि हमारी दुल्हन को जो है ना जल्दी से रेडी करो निकाह के लिए। हाँ कितना माशाल्लाह खूबसूरत है ये इसके साथ का, ये शरारा है नीचे, माशाल्लाह फातिमा पहनेगी तो प्यारी लगेगी। और बाकी भी सब पूरी ज्वेलरी इसके साथ सब कुछ देकर गए हैं, और ये रुमाल भी देते हैं क्या साथ में? रुमाल भी देकर गए हैं, पिन्स भी देकर गए हैं, और ये दुपट्टा भी देकर गए हैं। और यहाँ पर देखो मैं हो गई हूँ तैयार, मुझे बस थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा हो गया, क्योंकि मैं करती नहीं हूँ ना। आप सब बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। यहाँ पे लाइटिंग पे देखो अच्छा किया है, बाकी सब ने बहुत तारीफ की है, मेकअप बहुत अच्छा है। अभी दुल्हन रेडी हो रही है, दुल्हन अच्छे से मतलब उसका मैंने एक नेचुरल और लाइट सा मेकअप बोला है कि दुल्हन हमारी को लाइट सा नेचुरल सा करना है। आज उसका फेस रिवील होना है, और देखो यहाँ पर सारा कुछ सेट हो गया है। ये देखो कितना खूबसूरत ये वाला हुआ है। खुशी से बढ़कर अम्मा यहाँ पर नमाज जो है अदा कर रही है। हाँ, पहले और कोई भी यहाँ पर नहीं बैठा, अम्मी ने नमाज अदा की है, सबसे बड़ी खुशी है। हाँ, और फारूक भाई आपने ये घर का तो बताया नहीं कि घर कैसा सजा हुआ है, लाइटिंग कैसी है? लाइटिंग तो इतना आज प्यारी लग रही है ना कि शायद हमने ऐसे ख्वाब देखे हों। अच्छा। वो आज जो है ना सबका प्यार, अम्मा की दुआ। हाँ। और मेरे बच्चों का नसीब। बिल्कुल, ये बच्चों का नसीब होता है, सबके जो प्यार के साथ जो है ना ऐसी खुशियाँ किस्मत से नसीब होती हैं, ऐसी रौनकें, ऐसी बहारें, अल्लाह ताला हर किसी की बच्चों के नसीब इससे भी बढ़कर खुशियाँ नसीब करे आप सबको। आमीन। नहीं
ये जल्दी में इमरजेंसी में ये सारा सेटअप हुआ है। मैंने व्हाइट सोफे का बोला था तो जल्दी में हमें, चलो शुक्र है कि ये मिल तो गए। व्हाइट सोफे इसके साथ अच्छे लगते हैं लेकिन अभी भी बहुत खूबसूरत लग रहा है क्योंकि ऊपर गोल्डन आ गया ना, तो गोल्डन की मैचिंग भी अच्छी लग। अरे वाह मेरी बच्ची कितने प्यारी लग रही है। अम्मी सब तैयार हो गए, अब एंड में आप रह गई है। अम्मी की लिपस्टिक बची है। हाँ मामू को देख रही है। अच्छा मामू आए आपके, भाग रही है। कौन है आयत? मामू आ गए। हाँ पहचान कैसे लिए मामू को? जाओ भाग के आप भी मिलो। देखो तैयबा मिल रही है, आप भी जाओ। छुप रही है। यहाँ पे हमारी दुल्हन जो है ना तैयार हो गई है और ये मैं इसको क्लच देने वाले, पकड़ के बैठो। ये पता है किसका क्लच है? ये मेरी अम्मी ने दिया था तुम्हारी अम्मी को जब तुम्हारी अम्मी की शादी हुई थी। आज तुम्हारे निकाह पे मैं तुम्हें दे रही हूँ। के साथ लिया? के साथ हमने दिया था। अच्छा अम्मी ने दिया था अपनी बहू को, ऐसे संभाल के रखा और मैच हो गया बिल्कुल। अम्मी थोड़ा सा और आगे करें, थोड़ा सा अम्मी और आगे करें, ऐसा पूरा फेस इसका ढक जाएगा। चलो अभी हम सबसे पहले आए हैं यहाँ पर फातिमा का फेस रिवील करने के लिए। उसके लिए उसके अब्बू साथ में खड़े हैं और साथ में दुल्हन की दादी और दुल्हन के अब्बू जो है ना दुल्हन का फेस रिवील करने वाले हैं ताकि दुल्हन हमारी दुल्हन की प्यारी प्यारी आगे मेमोरी बन सके। हम आराम से इसका शूट भी करें, पिक्चर विक्चर सब इनके पेरेंट्स की मर्जी से और हम सबकी खुशी से। पहले फारूक भाई आप फेस रिवील करें। 1 2 3 साजन जी घर आए दुल्हन के लेके आए, हम ऐसे गाना गाएंगे। अल्लाह पाक नसीब प्यारे करे। तो चलो अभी इनका निकाह का टाइम होने वाला, निकाह पढ़ा जाएगा तो सारे अंदर चल कर बैठते हैं। चले फारूक भाई अभी, चलो अभी ये नीचे कर लो थोड़ा सा और। आज का व्लॉग मैं इधर ही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना। इसका नेक्स्ट जो पार्ट होगा ना वो आपको अगले व्लॉग में मिलेगा। अभी हमने फातिमा का फेस रिवील किया, अभी तो खैर सब आए हूँ। अभी फातिमा का निकाह, फातिमा का और वकार का निकाह होना अभी बाकी है कुछ ही देर में। और कुछ ही देर में फातिमा जो है ना वकार की दुल्हन हो जाएगी, वकार की वाइफ बन जाएगी। और कुछ ही देर में फातिमा जो है ना वकार की दुल्हन बन जाएगी। वो सब आप अगले व्लॉग में देखना, अभी सब इकट्ठे हुए हैं तो व्लॉग काफी लंबा हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।